तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं बोधगया टेंपल के लिए और जाते हैं आगे की ओर और दिखाते हैं बोधगया टेंपल कैसा है। तो इस ब्लॉग में आप लोग बने हुए रहिए। तो गाइस अभी हम लोग सामने में हैं जो बोधगया टेंपल के, और अभी हम लोग आए हैं कैमरा को यहाँ जमा करवाने, देखते हैं कि टिकट लगता है या जान देते हैं कि नहीं जान देते हैं। तो गाइस यहाँ पर अगर आप आते हैं बोधगया टेंपल तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ मोबाइल जमा भी होता है, कैमरा का टिकट लगता है और इधर क्लॉक रूम है। तो गाइस अभी हम लोग ले लिए हैं कैमरा का टिकट और अंदर में जाते हैं, क्योंकि पड़ा हम लोग के 100 रुपया का चार्ज और सामने वो व्यू है जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि फ्रंट गेट यही है। लिखा हुआ वेलकम टू माँ बुद्धि महावीरा टेम्पल, और जैसा कि देख रहे हैं ये 100 रुपये का हमारा टिकट पड़ा है कैमरा के लिए और अंदर में जा रहे हैं। तो गाइस जैसा कि अभी हम लोग का चेक इन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे मेन गेट पर चेक इन होता है और अंदर की तरफ देख रहे हैं जैसा कि वो मंदिर है, और अभी हम लोग वहाँ जाएंगे और दिखाते हैं। और हम और हमारे सिस्टर जा रहे हैं क्योंकि बौद्धिस्ट टेंपल में। और इस मंदिर का मैप जो जैसा कि देख रहे हैं मैप यहाँ पे लगाया गया है मंदिर का, कैसा क्या रास्ता है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इधर है श्री जगन्नाथ मंदिर जैसा कि देख रहे हैं, इधर बौद्धिस्ट लोग पूजा कर रहे हैं अपना। और ये रहा मेन गेट महाबोधि महावीरा महाबोधि महाविहार मंदिर। तो ये रहा सामने मेरा गेट। तो गाइस जैसा कि देख रहे हैं भगवान बुद्ध का भी स्ट्रक्चर बनाया गया है, फूल का भी स्ट्रक्चर बनाया गया है और बहुत सारा ही स्ट्रक्चर बनाया गया, बहुत ही शानदार शानदार विजुअल बनाया गया है जो कि मतलब बहुत ही खूबसूरती से उसको सजाया गया है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और वहाँ पर एक बार और चेक इन हम लोग का होगा जो कि डबल चेक इन यहाँ पर होता है, और चेक इन कराने के बाद एंट्री है हम लोग का अंदर में। तो गाइस जैसा कि देख रहे हैं ये जो है मंदिर पीछे जो महाबुद्धि टेंपल है, और ये मेन गेट है इसका, और इसके अंदर अभी हम लोग जा रहे हैं। हम लोग बिहार से जिला वैशाली बता रहे आप लोग को, अंदर जो भगवान हम लोग दर्शन किए थे अपने YouTube चैनल है क्या? जी हाँ। अंदर जो भगवान मूर्ति दर्शन किए थे 300 साल पुराना मूर्ति है, जो दान दिए थे बंगाल का मोहिपाल दान दिए थे जी। यहाँ जब यहाँ पहले मूर्ति पूजा नहीं होते थे, यहाँ पर सिर्फ क्या होते थे लोग पहले साधना करते थे। अशोक ने बुद्ध धर्म दीक्षा लेने के बाद उन्होंने यहाँ पर मंदिर और गेट बनाया था और कुछ नहीं था। 1000 साल बाद आए थे बंगाल के मोहिपाल, उसने क्या किया अंदर में मूर्ति बटा दिया। ये मूर्ति जो है 1300 साल पुराना मूर्ति होगा, और अंदर जो मूर्ति है ध्यान मुद्रा बोला जाता है। ध्यान का मतलब होता है ध्यान मुद्रा क्या होता है, तपस्या मिलन हो गया था उसी मूर्ति अंदर में जी। और बाहर जाएंगे आप लोग जो बैक साइड जो बुद्धि ट्री देगा आप लोग, ये 34th जनरेशन का ट्री है। पहले जो ट्री है बंगाल का सुसंगर कटाया गया, दूसरा सोमला सूर दूसरे से कटाया गया, तीसरा श्रीलंका भेजा गया। अब जो ट्री है श्रीलंका ला कर प्लेन कर 40 साल 34th जनरेशन का है, और ये पूरा प्लेस का नाम था पूर्व ब्लैक फॉरेस्ट,
जब बुधवार यहाँ से निकल गए तो लोग बनने लगा बुद्ध गया बोलते बोलते ये प्लेस का नाम बुद्ध गया हो गया। जाते समय यहाँ से 3 मंत्र उच्चारण किए, बुद्धम शरणं गच्छामि धम्मम संगम शरणं गच्छामि। तो आप लोग जैसे गार्ड बाहर जाएंगे तो सब लोग किताब ले लीजिए, बुधवार के बारे में किताब का नाम बुद्ध गया। जी थैंक यू सो मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन। प्रेयर कर लीजिए। तो गाइस जैसा कि देख रहे हैं इधर मंदिर है और अभी हम लोग इसके चारों तरफ से होकर के जाएंगे नीचे में, जो कि ये मैप के थ्रू रास्ता भी है बताया जाता है। और देख रहे हैं नीचे बौद्धिस्ट लोग पूजा भी कर रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं जैसे चढ़ावा चढ़ाए हैं फूल, इधर भी माला जप रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि यहाँ ही पे भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो कि बरगद का एक पेड़ था उसी के नीचे हुआ था ज्ञान प्राप्त, जो कि 400 ईस्वी पहले की बात है ये। तो यहीं पे टेंपल बन गया है, तो बहुत ही पुराना है, यहाँ पे बहुत ही फॉरेनर सब आते हैं। और ऊपर जो देख रहे हैं जो गोल्ड में दिख रहा है वो है उसी ओनली फॉर सोना है, जो कि 250 kg का सोना है। देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही श्रद्धालु लोग आ चुके हैं, क्योंकि ये लोग व्हाइट कपड़ा में हैं। और उधर जो तालाब में देख रहे हैं भगवान बुद्ध का मूर्ति है, जो कि उनके पीछे सर्प का फिगर दिया गया हुआ है। इस साइड में तालाब है और इस साइड में मंदिर है। तो जैसा कि देख रहे हैं इधर भी हवन हो रहा है। जो कि बहुत ही बड़ा बनाया गया है हवन का। और इधर भी है बुद्धिज्म लोगों के लिए प्लेस जो रहने के लिए। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ बौद्ध टेंपल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि, और इधर बहुत ही मतलब सुंदर सा स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो कि डिजाइन दिया गया है दीवार में देख रहे हैं आप लोग, और नीचे भी दिया गया है स्ट्रक्चर। और उस साइड में मंदिर है। देखिए वही मंदिर है जो सामने में देख रहे हैं जैसा कि आप लोग। बहुत ही इस मंदिर को अच्छा तरीके से सजाया गया है, फूल से डिजाइनिंग से। तो अभी हम लोग उस मंदिर के अंदर में जाएंगे और दिखाते हैं अंदर में क्या है। इधर भी एक गेट है जिसमें लॉक किया गया है। और इधर मंदिर का पीछे का एरिया है, उधर मैं चलिए। तो बताओ रहा किसी से लगा मंदिर क्या जानती है मंदिर के बारे, बोलो जल्दी। ये बहुत फेमस है और यहाँ पे क्या था बताओ। यहाँ पे बहुत दूर दूर से आदमी सब घूमने आ रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मन्नत के तौर पे ये लोग फूल चढ़ा रहे हैं। हाँ जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे फूल चढ़ाया हुआ है, जो मन्नत पूरी होती है तो यहाँ पे चढ़ाते हैं लोग। और वहाँ देख रहे हैं जैसा कि पूजा कर रहे हैं।
ये बाहर जाने का रास्ता है। तो अभी हम लोग इसके अंदर एंट्री लेने वाले हैं। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। चलो इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से आओ। ये रहा चेकिंग गेट जो कि मंदिर का है। और इधर बहुत ही कमल का फूल और गुलाब का है। जी बहुत ही मंदिर में अंदर भीड़ है अभी लगभग। जैसा कि देख रहे हैं यही भगवान बुद्ध जो कि यहीं पर बैठ के ज्ञान की प्राप्ति किए थे। जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। जैसा कि देख रहे हैं पहले भी चढ़ावा चढ़ाया जाता है, वैसा भी चढ़ावा चढ़ाते हैं और यहाँ फूल भी चढ़ाया जाता है और वस्त्र भी चढ़ाया जाता है। यही भगवान बुद्ध का मूर्ति है। इस चक्कर में हमारे माता हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं अभी। बाहर की तरफ आ चुके हैं और ये गेट रहा। जो कि हम लोग अभी मंदिर के अंदर से हो चुके हैं बाहर की ओर। जैसा कि बहन अभी आई है, इसको मिला है एक गुलदस्ता मिला है और चॉकलेट मिला है। क्या चीज़ मिला है? यहाँ पे पूजा करने गए थे तो वहाँ पे प्रसाद के तौर पे ये दिया जाता है। सभी को मिल रहा था, सभी को मिल रहा था। तो बहन को भी मिला है प्रसाद के तौर पे जो गिफ्ट, जो कि यहाँ पे आते हैं तो आपको मिलेगा। Thank you.